गीला कर दिया। हाँ तेरा चेहरा देख लिया था सपने में ना, तो डर गई। अच्छा बच्चू यार जी, हर रोज जगे रहते समय तो मेरा शक्ल देखते है तू, तब तो डर नहीं लगता तेरे को। अच्छा चल अभी जाना, लेट हो रहा है स्कूल के, जल्दी जा तैयार हो। अच्छा 7:30 के स्कूल में 7:15 को उठ के लेट हो रही है तू। अरे जाना यार। पूरी टी शर्ट गंदी कर दी इस लड़की ने, इतनी सुंदर शक्ल है मेरी, कहाँ भूत जैसी लगती है। उसकी शक्ल होगी भूत जैसी, मेरी नहीं क्या। खाक सुंदर। अनु तू तैयार हो जा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। हाय मानसी। हाय हाय, तू भाग क्यों रही है? मैं ना मैराथन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैराथन? हाँ। तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ना नेक्स्ट लेवल है। एटलीस्ट है तो सही, आई के पास तो वो भी नहीं है। अरे हाँ आई, वो तो कभी लेट नहीं होती, अब तक क्यों नहीं आई? वो तो हमेशा लेट होती है, मैं ही टाइम पर आती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है चल। क्या हुआ? तुझे एक आवाज नहीं आ रही? नहीं। चल ना, क्या देख रही है तू? सुनाई नहीं दे रहा? हाँ मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो किसे देख रही है पीछे? आयु आएगी, चल। अब तू एक काम कर, तो आगे में मैं आती हूँ। क्यों? तो मुझे कुछ घर पे भूल गई हूँ। क्या भूल गई है? अरे कुछ तो भूल ही ना, लेके आती हूँ। तो कोई याद भी नहीं तो क्या भूल गई है? ठीक है चल। अंधेरा है लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है यार? काश कोई कैंडल वैंडल या कुछ भी जला दे जैसी चीज ले जाती, मेरी बैटरी कुछ हो सकता। ये क्या है? टॉर्च कहाँ से आ गई है ये बैग में? कोई है? कोई है? हेलो, कहा? लगता है इसी से आवाज आ रही थी, मेरे छूते ही आवाज बंद हो गई। अनु। हाँ आई। उफ कहाँ रह गई ये लड़की? वो रही। आई आई रह गई ये लड़की। आ गई। कहाँ थी तू कब से यार? मैं देखो इतने देर से ढूंढ रही हूँ। चल जल्दी स्कूल वाले मिस पनिशमेंट दे देंगी। चल।
ये क्या शर्लॉक होम्स बनी हुई है तू? बाद में ये सब करना, चल अभी स्कूल, वरना टीचर हमारा केस ले लेंगी। चल 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 जल्दी। क्या कर रही है? चल ना, लेट हो रहा है। यार स्कूल तो खत्म हो गया लेकिन इतना सारा होमवर्क। टीचर को हमारा पेन समझना चाहिए यार, वैसे भी इतने दिनों से लॉकडाउन था, हम खुद ही इतने आलसी हो गए। पहले तो होमवर्क के लिए बहाना मार लेते थे, अब तो होमवर्क के लिए बहाना भी नहीं मार सकते। टीचर्स की बात छोड़, पेरेंट्स भी हमें नहीं समझते। हाँ ना, हाँ तो वैसे भी घर में पढ़ाई हो ही सकती है, कितना अच्छा होता अगर सब कुछ घर पे होता ना। हाँ ना। अरे अनु, तू क्या होमवर्क के नाम पर डर गई? होमवर्क से? होमवर्क से नहीं, भूत से। भूत से? तो अभी तक वही भूत वाली बात में अटकी हुई है। मैं भूत नहीं हूँ, ठीक है? अभी सच्ची में इतना इरिटेट की ना, सच्ची में तेरे से भूत तरह खा जाऊंगी मैं। ये देख, पहले बोलती कि भूत नहीं है, भूत बोलने को मना भी कर दी, उसके बाद थाने की बात कर रही है। नहीं तो अब घर चलते हैं वरना मम्मी चिल्लाएंगी। वैसे भी जब अंधेरा था तो मेरे को भी डर लगता है। ठीक है चलो चल। स्कूल आज बहुत ज्यादा ही होमवर्क मिला है क्या? हाँ मम्मा, आपको कैसे पता? अरे मुझे सब पता है। क्यों अनु, तुम्हें क्या लगा मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा? आपको क्या नहीं पता चलेगा? बताती हूँ, पहले पानी तो पी लो। संगीता जरा पानी ले आना। मैं तो अनु से दूर ही पानी पीऊंगी। संगीता जरा अनु के बैग से निकाल लो तो। तो अनु ये तुम्हारे बैग में था? तुमको पता भी नहीं चला, तुमने अपना बैग भी नहीं चेक किया? अब मम्मा सॉरी, आगे से मैं आपको सब बताऊंगी। अरे सॉरी तुम क्यों बोल रही हो, तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, ये तो संगीता ने भूल से तुम्हारे बैग में डाल दिया था। हाँ? ओ, टॉर्च। हाँ, टॉर्च। तुम्हें क्या लगा? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा चलो अब जल्दी से जाओ, फ्रेश हो जाओ। ठीक है चलो, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। कितना बाकी है? हाँ मैं एकदम फास्ट कर देती हूँ। चलो अब मैं तो जा रही हूँ मूवी देखने एंड चिल करने। सो टाटा। ओके गो। अगर तुम मुझे हेल्प भी करना चाहते ना तो सिर्फ एक हेल्प कर, और जा अपना मूवी देखो, इधर वापस बताना, ठीक है? एक तो हेल्प करी, ऊपर से इतने नखरे, जा रही हूँ मैं, अब वापस मुझे इरिटेट मत करना तू। Thank you.
मुझे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। मेरी किताब थी, मैं उसमें हर समय लिखती रहती थी। मेरा सपना था कि एक दिन मैं खुद अपनी एक पूरी किताब लिखूं अपने जीवन के बारे में। लेकिन अफसोस, मेरे माँ बाप मुझे पढ़ने नहीं देते थे, वो मुझसे घर का काम करवाते थे। और जब मैं पढ़ने की कोशिश करती थी तो मेरी बुक छीन के मुझे मारने लग जाते थे। छोटी सी उम्र में ही मेरी शादी करा दी गई और मेरी पढ़ाई रह गई। आज मेरे शादी के दिन ये मेरा आखिरी शब्द है इस किताब में। मेरा सपना एक पूरी किताब लिखने का हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। परिवार का क्या हुआ? लेकिन मेरा सपना रियलिटी कैसे बन रहा है? उसमें मुझ में कनेक्शन क्या है? समझ ही नहीं आ रहा। तो गाइस, जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो टाइम फाइनली आ गया है, यानी गिव अवे का टाइम। अगर आपको गिव अवे का विनर बनना है, आपको करना क्या है? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाके कमेंट करना है। और जो भी एक विनर रहेगा उसको मिलेगा एक ब्रांडेड स्मार्ट वॉच। तो गाइस, जल्दी जाके कमेंट कीजिए एंड गिव अवे विनर बनने का मौका पाइए।